बारह बजे क्यों जरूरी है? राम का जन्म दिन बुधवार को हुआ, भगवान कृष्ण का जन्म दिन बुधवार को हुआ। भैया मास्टर ऐसा ही है, राम ने चैत के महीने में जन्म लिया, भगवान कृष्ण ने भादो के महीने में जन्म लिया। राम शुक्ल पक्ष में जन्म लिया, तिथि नौमी थी, और भगवान कृष्ण कृष्ण पक्ष में जन्म लिया, तिथि अष्टमी थी। बारह बजे हर काम शुभ होता है, बारह बजे हर काम शुभ होता है। भगवान कृष्ण ने जितने काम किए सब बारह बजे ही किया। बारह बजे जन्म लिया, बारह बजे पोतना का श्रृंगार किया, बारह बजे काली नाग को नाथ लिया, बारह बजे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, बारह बजे कंस का श्रृंगार किया। जितने भगवान कृष्ण ने काम किया सब बारह बजे किया। अब कुछ लोग कहावत या काय लागत लेकिन नाराज ना हो भैया बता दी। कुछ लोग कहते हैं कहे आर्यन के बुद्धि बारह बजे खुलत है ना, ऐसा है भी ना। कुछ लोग कहते हैं लेकिन हम नहीं कहते हैं। लोग कहते हैं हमारे प्रेम देखो नाराज ना हो, बात जब आ जाए तो बतावे पड़ जाते। लेकिन बारह बजे जितने काम भगवान कृष्ण ने जितने काम किया सब बारह बजे ही किया, और इसीलिए सब लोग कहा लागत है ना दादा ऐसा ही है। तुम हाँ ना का जवाब दे दिया करो। देखिए बारह बजे गंगा की धारा रुक जाती है, बारह बजे पूजन नहीं होता है। बाकी भगवान ने राम ने बारह बजे दिन के समय में जन्म लिया, भगवान कृष्ण रात्रि के समय में जन्म लिया बारह बजे, बड़ी अच्छी बात है। चलो जिसने परमात्मा से लगन लगाई उसके यहाँ परमात्मा गए। इसीलिए कवियों ने एक बड़ा सुंदर भजन बताया है कैसे, लगनियां लगाओ राम मिली है जरूर, और 21 मुद्रा रोहित यादव की तरफ से, 21 मुद्रा आशीष यादव की तरफ से, 21 मुद्रा पवन यादव की तरफ से, 21 मुद्रा रंजीत यादव की तरफ से, 21 मुद्रा जयतेंद्र पाल की तरफ से। सभी लोगों ने भगवान के चरणों में दान अर्पण किया है, परमात्मा मंगल करे। लगन लगाई है सबरी में, लगन लगाई है
लगन लगाई हाय सदरी में लगन लगाई हाय सदरी जोठे दूर राम खाई है जरूर हर जोठे दूर राम खाई है जरूर लगन लगन लगाओ राम की लगन लगाई हनुमान ने लगन लगाई हनुमान ने लगन लगाई हनुमान ने लगन लगाई हनुमान ने आदि लगे जरूर हनुमान सामा आदि लगे जरूर लगे परमात्मा से लगन लगाई लगन लगाई हरे आने लगन लगाई हरे आने लगन लगाई हरे इसका अमृत कर ये जरूर और किसका अमृत कर ये जरूर लगन भगवान की हो लगनिया लगाओ राम निधि है देव जिसने परमात्मा से लगन लगा लिया और उसके पास परमात्मा खुद ही चल करके गया। मैंने उस दिन बताया था कि तीन व्यक्तियों के पास में भगवान चल करके जाते हैं। प्रथम नंबर पर परसार्थी के पास में भगवान चल करके जाते हैं। दूसरे नंबर पर भक्त के पास में भगवान चल करके जाता है। तीसरे नंबर पर ज्ञानी पुरुष के पास में भगवान चल करके जाता है। अगर ज्ञानी नहीं बन पाते तो भगवान के भक्त बन जाओ, अगर भक्त नहीं बन पाते तो परस्वार्थी बन जाओ। लेकिन स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति संसारी स्वार्थी पर स्वार्थी तुम्हें कहीं हजारों में एक आधा मिलेगा। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति सभी के अंदर स्वार्थ लगा है। एक बार जयकारा लगा दो बोलिए गुरुदेव भगवान की। कल कौन सी कथा चल रही थी परिचित जी बताओ। चलो हाँ देखो याद है प्रभु राम की कथा चल रही। माँ पार्वती का तीसरा प्रश्न चल रहा है।
धनुष भंग की कथा को कहो हमारे नाथ, कैसे मिथिला पुर गए रहे कौन की साथ। यही प्रश्न चल रहा था। इधर माँ पार्वती को मेरे बाबा जी कथा सुना रहे थे, बताया कहा देवी राजा जनक के यहाँ धनुष यज्ञ होने जा रही है, देश देश के राजा को आने लगा। विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेकर के रंग भूमि में पहुंचे। राजा जनक देखा तो आदर सम्मान किया और बैठने को आसन दिया। आज राम लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र रंग भूमि में बैठे, देश देश के राजा गण पधारी हुए। आज बंदी जन चलते हुए आए, स्वागत किया, आदेश हुआ सीता को रंग भूमि में लाया गया। सीता जी जयमान को पकड़ी हुई हाथों में सखियों के साथ में रंग भूमि में आई। बाबा जी ने लिखा है रंग भूमि जब सिया पग धारी, रंग भूमि जयमान को पकड़ी हुई हाथों में सखियों के साथ में रंग भूमि में आई। भैया प्रसाद ले जाओ, बीस मुद्रा हिमांशु भैया ससंदा से आई हुई है, भगवान के चरणों में दान अर्पण किया है, परमात्मा सुखी मंगल में बना रखे। रंग भूमि जब सिया पग धारी, मोहे देख सकल नर नारी, मोहन नार नार के रूपा, पंग जारिया चरित अनोपा। 21 मुद्रा रोहित यादव के तरफ से और 21 मुद्रा आशीष यादव के तरफ से, 21 मुद्रा सोनू पाल के तरफ से, 51 मुद्रा मिश्रीलाल यादव के तरफ से, 51 मुद्रा राधा कृष्ण यादव के तरफ से। सभी लोगों ने भगवान के चरणों में दान अर्पण किया है, परमात्मा सदैव मंगल में बना रखे। देखो इसीलिए हम भैया को वो करते हैं। देखो आज छठा दिन है, भैया लोग जिस समय मन पे बैठता पैसों से बौछार कर देते हैं, बातों में बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन भैया ठंडक चल रही ना, ठंडक में हम देखते बहुत कम लोग आ पाते हैं। बाकी तो खैर दान करने में हमारे भैया लोग माँ बहने आगे हैं। अब वास्तव में इसी भाव से रहना चाहिए। कहीं कहीं पर मैं देखता हूँ कि भैया भीड़ तो बहुत हो जाती, भीड़ ना जाने कितनी हो जाती लेकिन पैसा नहीं निकलते आदमी। लेकिन यहाँ कह रहे ऐसा नहीं है, दान करने में भैया लोग आगे। बोले गुरुदेव भगवान की रंग भौम जब सिया पगधारी, मोए देख सकल नर नारी,
और फिर बाबा जी ने रामायण में चौपाई उत्तरकांड में लिखा है मोहन नारी नारी के रूपा पंग जारिया चरित अनुपा। मां बहनों एक बात बता दूं, क्या नारी को देख करके नारी नहीं मोहित होती है? बता दिया करो, नहीं मोहित होती होती है। अगर मां बहने ना मोहित हो, जब लड़का का संबंध जुड़ता है ना, तो मां बहन बेटियां जाती है लड़की को देखने के लिए। अगर मोहित ना हो तो बिहाव भी नहीं हुई है ना। नारी को देख करके नारी मोहित होती, लेकिन कौन नहीं मोहित होती? जो सबद हो तो वह नहीं मोहित। यहाँ पे सबद की बात है। उत्तरकांड में बाबा जी ने लिखा है मोहन नारी नारी के रूपा पंग जारी अचरित अनुपा। यहाँ भक्ति और माया की बात है। जहाँ पे माया होती वहां भक्ति नहीं होती, जहाँ भक्ति होती वहां माया नहीं होती। और भगवान की दोनों पत्नियां हैं, भगवान की दोनों पत्नियां हैं, माया है भक्ति है। लेकिन जहाँ भक्ति होती वहां माया नहीं, और जहाँ माया होती वहां भक्ति नहीं। यहाँ बाबा जी ने लिखा रंग भूमि जब सिया पगधारी और मोहित देख सकल नर नारी। नारियां क्यों मोहित हो गई? जब जनकपुरी में रंगभूमि में सीता जी आई तो नारियां देख करके क्यों मोहित हुई? नारियां क्यों मोहित हुई? सीता जी खड़ी है, सीता की ओर देखती, फिर राम की ओर देखती है, कहती बहना कहीं इनसे जन्मा टूट जाता तो जोड़ी बहुत सुंदर लगती, या फिर नगर में आते फिर देखने को मिलते। देख देख करके मोहित हो रही। रंग भोम इधर, रंग भोम जब सिया पगधारी उधर बैठे पगधारी, उधर बैठे पगधारी, उधर सीता जी खड़ी है, तो सीता को और पगधारी को देख करके नर नारियां मोहित होते हैं। ग्यारह मुद्रा आयुष यादव के तरफ से भगवान के चरणों में दान अर्पण है, परमात्मा मंगल में बना रखे। इधर पगधारी बैठी, उधर सीता जी, नगर की नर नारियां सीता और राम को देख करके मोहित होते। अब जो राजा गण है वो सीता की ओर देख करके मोहित होते, विचार करते मैं धर्मा को तोड़ूंगा, सीता को मैं ले जाऊंगा। सीता बड़ी सुंदर है। एक बात और मैं बता दू, ज्यादा सुंदरता माँ बहनों की ये भी गड़बड़ है। ज्यादा सुंदर माँ बहनों को ये भी गड़बड़ है। अगर सीता सुंदर ना होती तो रावण नहीं ले जाता। अहिल्या अगर सुंदर ना होती, अति सुंदर होना गड़बड़ है, अति सुंदर नहीं होना चाहिए। सीता जी बहुत सुंदर थी, रावण ले गया। अहिल्या अति सुंदर थी, देव इंद्र क्षण किया। वाह क्या बात है, आर्य भी सुंदरा। राम कुमार यादव के तरफ से भगवान के चरणों में दान अर्पण है, परमात्मा सदे मंगल में बना रखे। सीता जी खड़ी है, आदेश हुआ जो इस भगवान को तोड़ेगा और सीता से नाता जोड़ेगा। आदेश हो गया, आदेश जब हो गया उसी समय में रावण आ गया। रावण जब आया देखा दरबार में राजा गढ़ बैठे, राजा जनक देखा, बार बार प्रणाम किया। रावण कहने लगा ये राजा गढ़ क्यों बुलाए गए? कहा महाराज धनुष यज्ञ होने जा रही, अपनी पुत्री का स्वयंवर रखा है। रावण कहने लगा सभी को बुलाया, मेरे को क्यों नहीं बुलाया? और 21 मुद्रा शगुन पाल के तरफ से भगवान के चरणों में दान अर्पण है, परमात्मा मंगल में बना रखे।
ग्यारह मुद्रा मनीषा यादव के तरफ से भगवान की चरणों में दान करते हुए परमात्मा मंगल में बन रखे। एक बार जयकारा लगा दो, बोले गुरुदेव भगवान की। रावण कहने लगा, राजा जनक सभी को बुलाया लेकिन मेरे को क्यों नहीं निमंत्रण दिया, मेरे को क्यों नहीं स्वागत सम्मान किया, क्यों नहीं बुलाया। राजा जनक कहने लगे, महाराज ये बात मैं भूल गया, तब नहीं तो अब सही। तो रावण कहने लगा, ठीक है इस धनवान को मैं तोड़ू। राजा जनक कहने लगे, हाँ आप भी तोड़ सकते। अब रावण जब आगे को बढ़ा तो बढ़ते हुए जब चला तो जितने राजागण थे विचार किया, आप तो मामला सब गड़बड़ में ठहर गया। अब राजागण सब परेशान होने लगे, मालूम पड़ता है रावण तोड़ देगा। जब रावण आगे को बढ़ा तो देखा कुछ धनुष पर अंक दिखाई पड़े, देखा लिखा धनुष पर अंक सुधीर कुमार यादव के तरफ से भगवान के चरणों में दान अर्पण, परमात्मा सुधीर मंगल में बना रखे। रावण विचार करता है धनवा को तोड़ू तो बन में भ्रमण करना पड़ेगा। सोच रहा है रावण, फिर कुछ नीचे अंक दिखाई पड़े, फिर पढ़ना चालू किया। मध्य में लिखा था पितृता, विचार किया धनवा को तोड़ो तो पिता का मरण हो जाएगा, नारी का हरण हो जाएगा, ऐसा धनवा तोड़ने से क्या फायदा है। रावण लौट पड़ा, मन ही मन में विचार किया, सीता के तरफ देखा। जब सीता के तरफ देखा तो हृदय का आज हृदय की जो भावना थी बदलने लगी, सोचने लगा क्या सोच भी मन राम रे रही भाई, सोच भी मन राम रे रही भाई, हम सीता को राम चराई। We'll be right back.
लेकिन सीता को एक बार अवश्य लंका में ले जाऊंगा। आज रावण लौट पड़ा, आगे जब बढ़ा तो राम पर नजर पड़ गई। जब राम पर नजर पड़ी तो नजदीक में पहुंच गया। राम के मस्तक की रेखाओं को पढ़ने लगा, आज गदेली के रेखाओं को पढ़ने लगा। जान गया राम है, ये तो ब्रह्म है, इन्हीं के द्वारा मेरी मौत है। रावण लौट पड़ा, वहां से चला गया। जब रावण चला जाता है, जितने राजागण आपस में विचार करने लगे, अब मर गया धनवा तो मैं तोड़ूंगा, रावण तो गए। आज आपस में विचार करते हैं, मैं तोड़ूंगा, एक ये तंगी उठने लगे। अब धनवा के पास में जब जाते हैं, धनवा में हाथ लगाते उठाना चाहते लेकिन हिला नहीं पा रहे। जितने राजागण सभी अपनी अपनी ताकत लगा दी, धनवा को नहीं हिला पाया। अब जितने राजागण आपस में विचार करने लगे, ऐसा करो भैया, एक लोग से नहीं टूट रहा, आप इनसे चलो दो लोग चला जाए। दो लोग चलो मिलकर के धनवा तोड़ दिया। कहते भाई देखे सीता को कौन ले जाएगा, कहा ये सब बंटवारा बाद में होगा। अब दो दो लोग गए धनवा के पास, ताकत लगाई लेकिन धनवा को नहीं ला पाया। जितने राजागण दो दो मिलकर के ताकत लगा दी लेकिन नहीं धनवा हिला। फिर कहा भाई आपके से पांच लोग चलते, कहा भाई सीता को कौन ले जाएगा, कहा ये सब बंटवारा बाद में हो जाएगा। क्योंकि पंच परमेश्वर होते, पंच प्रधान होते, पांच जन मिलकर के आग लगाते, पांच जन जब लगते तो शुभ काम होता है, पांच डोल चलो। राधा कृष्ण और शवद्रा सत्तर लोग का हम कई सौ रुपये और राधा कृष्ण के तरफ से 30 मुद्रा भगवान के चरणों में दान अर्पणवाए। परमात्मा सदैव मंगल नहीं बना रखे। खैर भैया मेहनत कर रहे हैं, दौड़ दौड़ कर खिला रहे हैं, इनका दान सबसे बड़ा है। क्योंकि देखिए ये जो समय दान चल रहा है, भैया परिश्रम करके आते हैं चढ़ाते हैं, भैया को लोग दे देते हैं, जाओ भाई भगवान में चढ़ा दो, तो ये सबसे बड़ा दान है, ये सबसे बड़ा दान है। चलो मैं बात कहां बोल रहा था, अब पांच लोग मिलकर के गए, धनवे में ताकत लगाई लेकिन धनवा नहीं हिला पाया। फिर विचार किया चलो अर्जुन से 10 लोग चला जाए मिलकर के धनवा तोड़ा जाए। 10 लोग गए, बाबा जी ने लिखा है, तुलसी बाबा ने बड़ी सुंदर चौपाई लिखा, बताया कैसे। धूप सहस 10 ए काली सहस साहसी तक के कहीं पार रूप सहस तक के कहीं पार नदी को थाम मन करा की पार और 21 मुद्रा नानू पाल के तरफ से भगवान के चरणों में दान अर्पण है। परमात्मा सदैव मंगल में बना रखे। भूप सहस दस एक ही बारा लगे उठामन टरई न टारा। सास भूप है 10 एक बार में गए लेकिन ताकत लगाई
साहस बहुत थे दस मिल करके ताकत लगाई धूप साहस दस एक ही बारा लगे उठाम न तरई न तारा। माँ पार्वती को मेरे बाबा जी सुना रहे थे कथा, माँ पार्वती के शंका आ गई और कहा स्वामी धूप साहस थे ताकत लगाई लेकिन धनवान नहीं उठा, कितना भारी था धनुष कि मैं देखियो नार। यह अचरज की बात है सो सब कहो। माँ पार्वती की शंका हुई कहा स्वामी अरे कितने दिनों तक मेरे यहाँ ये धनुआ रखा रहा, ना जाने कितने बार इधर से उधर उठा करके रखा, इतना भारी धनुआ जो सास भूप दत्त सुमिल करके ताकत लगाई लेकिन धनुआ नहीं था। मेरे बाबा ने कहा देवी मढ़ी मुंदरी पुष्पक धन चारी मेरे बाबा जी का देवी मणि के मुद्रिका पुष्पक विमान और जो ये धनुहा चार बने इनमें अपार शक्ति जो जो धनुहाए इस पिनाक में जीव था जीव दिघट बढ़ जाए जसी दस धस दे जाए सब अमहिति दे जाए समाए। माँ पार्वती को बता कहा देवी इस धनवा में जीव है, इस धनवा में नाक लगी है और इसीलिए इस धनवा का नाम है पिना। कहा स्वामी तो ये धनवा किसका बना, कहा ये हड्डियों का धनवा है, कहा हड्डियां किसकी, कहा ये दधीच महाराज की, कहा तो ये धनवा कब तैयार हुआ, कहा ये सतयुग की बात है। एक बार जब दैत्यों के अत्याचार से देवता परेशान हुए, जब परेशान हुए उस समय धनुओं को दधीच महाराज ढूंढ ढूंढ करके पी गए थे। देवता लोगों के पास में कोई अस्त्र नहीं थे जो दैत्यों से युद्ध करे,